है। आज हमने इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से यहाँ सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। अब मैं डॉक्टर बलराम जाट जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो दो शब्द कहें। नमस्कार। छोटे से नाम को बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया पूरे भारत के किसानों को दंडवत प्रणाम। भारत के किसानों के लिए 2006 से किसान पाठशाला लेकर जो आगे बढ़ा था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर मैं इस स्टेज पर आऊंगा और मुझे आप सभी महानुभावों की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। इसके लिए आप सभी को दंडवत प्रणाम। किसान पाठशाला पूरे भारत ही नहीं विश्व में एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए जाना जा रहा है। आप सभी भी एक ही स्टेशन है वर्ल्ड पर, वहां पर टच कर सकते हो। गूगल पर जाएंगे या यूट्यूब पर जाएंगे तो किसान पाठशाला मिलेगा। 2006 में जब 16 मित्रों ने हमने चालू किया तो यह नहीं सोचा था कि सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को लेकर हम जो आगे बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर और वातावरण को इकोसिस्टम में कंटिन्यू चलायमान रखना और उसी से किसानों के जेब में एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट होती रहे लाइफ टाइम, एक ऐसा मॉडल हम रन कर रहे थे और उसका एक ही स्टेशन है यूट्यूब चैनल। मैं थैंक्स कहूंगा मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरे भाई को। हम 11 लोगों का परिवार है। बट ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि उनका इतना सपोर्ट मिलेगा। मेरा नाम शायद सर्टिफिकेट में आधार कार्ड के जरिए बलराम जाट आया है, लेकिन पूरा विश्व मुझे बलराम किसान के नाम से जानता है और मैं गर्व करता हूं कि मैं किसान हूं। सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत हम जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक और वेंचर लॉन्च किया है, O2 पार्क। कोरोना के बाद सभी को समझ में आया होगा ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन पार्क भी आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसानों को और वर्ल्ड को, दोनों को जिस चीज की आवश्यकता है वो किसान पाठशाला और O2 पार्क में है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन तहे दिल से आप सभी को थैंक्स जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। और भारत के किसानों के लिए मैं आगे निरंतर बढ़ता रहूंगा और वर्ल्ड के किसानों के लिए आगे बढ़ता रहूंगा, ऐसा ही आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे डॉक्टरेट की किताबी से नवाजा है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर बलराम जाट जी। हमारे बीच में डॉक्टर मंजिल नानावटी।